आज गणेश चतुर्थी है, तो गणेश चतुर्थी को जो है सब लोग गणेश जी की आराधना करते हैं। लेकिन क्या आप सबको पता है कि गणेश जी की आराधना क्यों होती है? सारे देवताओं में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा क्यों होती है? क्योंकि गणेश जी जो है वे भगवान का नाम जप करते हैं ना, इसीलिए गणेश जी की सारे देवताओं में अग्र पूजा होती है। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, महिमा जासु जान गणराउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। हमारे पुराणों में एक सुंदर कथा है, अब कथा बताने जाएंगे तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा, लेकिन आप संक्षिप्त में समझिए कि गणेश जी चूंकि वे दिन रात भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, भगवान के नाम में गणेश जी की बहुत अपार निष्ठा है, इसीलिए गणेश जी की समस्त देवताओं में अग्र पूजा होती है नाम के प्रभाव से। आप सबको पता है कि गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, विघ्नों का हरण करने वाले, मंगल मूर्ति कहा जाता है। लेकिन गणेश जी के भीतर विघ्नों को हरण करने की शक्ति कहां से आई? तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, यत्पाद पल्लव विनिधाय कुंभ द्वंदे प्रणाम समय सगणादिराज विघ्नान बिहंतु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंद मादि पुरुषम तमहं भजामि। गणेश जी के भीतर विघ्नों को हरण करने की शक्ति हमारे भगवान नरसिंह देव के चरण कमलों से आई है, ये ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं। गणेश जी नित्य निरंतर अपने मस्तक पर भगवान नरसिंह के चरण कमल को धारण करते हैं, तो भगवान नरसिंह भगवान कृष्ण के चरण कमलों को अपने मस्तक पर धारण करने के कारण उनमें विघ्नों को हरण कर एक ही क्षमता है। तो गणेश जी भी जो है भगवान की भक्ति करते हैं, गणेश जी भगवान की भक्ति करते हैं। गणेश जी भगवान के इतने बड़े भक्त हैं कि महाभारत में कथा है कि जब भगवान वेद व्यास जी भागवत की रचना कर रहे थे, तो उस समय वेद व्यास जी ने गणेश जी को कहा कि देखो मैं समाधि में स्थित होकर के जो भी श्लोक बोलूंगा उसको आप लिखते जाना और जल्दी जल्दी लिखते जाना। गणेश जी ने कहा कि ठीक है। अब वेद व्यास जी समाधिस्थ हो गए और समाधि में स्थित होकर के भागवत के श्लोकों का अनवरत उच्चारण करते जा रहे थे और गणेश जी उसको लिखते जा रहे थे, लेकिन लिखते लिखते स्याही खत्म हो गई और वेद व्यास जी कंटिन्यू लगातार बोले जा रहे थे, तो गणेश जी ने सोचा कि अगर मैं स्याही ढूंढने जाऊंगा तो कई श्लोक निकल जाएंगे, कई श्लोक लिखने से वंचित रह जाएंगे, इसीलिए गणेश जी जो है तुरंत अपना एक दांत तोड़ करके और पत्थरों के ऊपर श्लोक लिखने लगे। तो गणेश जी भगवान के इतने महान भक्त हैं कि उन्होंने भगवान का चरित्र जिस भागवत में लिखा है उस चरित्र को लिखने के लिए अपना दांत तोड़ करके उन्होंने लिख दिया, इसीलिए उनको एक दंत भी कहा जाता है। तो आप तनिक विचार कीजिए कि जो गणेश जी हमारे ठाकुर जी का भजन करते हैं, तो हम जो है डायरेक्ट उस ठाकुर जी का ही क्यों नहीं भजन करें? एक बार अकबर के दरबार में एक भिखारी भीख मांगने गया,
तो भिखारी ने क्या देखा कि अकबर जो है अपना दोनों हाथ फैला करके और वो अल्लाह से कुछ मांग रहा था। तो भिखारी जैसे ही देखा तो उसने सोचा कि अरे हम तो सोचते थे कि हम ही भिखारी हैं, लेकिन यो भिखारी बा, हम जेकरा से मांगेल बनी यो तो भीख मांगता दुगे करा से। तो भिखारी ने सोचा कि ये जिससे भीख मांग रहा है तो मैं जो है अकबर से भीख क्यों मांगूंगा, अकबर जिससे भीख मांग रहा है डायरेक्ट उसी से मैं भीख मांगूंगा। इसी तरह से हम लोग जो है देवी देवताओं का भजन क्यों करें हैं? देवी देवता लोग जिस भगवान का भजन करते हैं, गणेश जी भगवान का भजन करते हैं, तो हम डायरेक्ट भगवान का ही भजन क्यों ना करें, हम किसी देवता का भजन क्यों करें?